भाजपा ने 2024 चुनाव के लिए रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। यही वजह है कि भाजपा प्रांतीय स्तर पर ताबड़तोड़ बैठकें कर रही है। आज बरेली के एक होटल में ब्रज प्रांत की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में भाजपा के यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उत्तर प्रदेश सरकार के वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह और जितिन प्रसाद के साथ संगठन मंत्री सुनील बंसल, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के साथ कई अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी के ब्रज प्रांत के अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य ने इसे भले ही रूटीन बैठक करार दिया हो, लेकिन संदेश साफ है कि 2024 के लिए तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। देखिए, आज हमारे यहाँ बरेली में ये ब्रज क्षेत्र की कार्यसमिति की बैठक है और ब्रज क्षेत्र की कार्यसमिति, प्रत्येक क्षेत्र की कार्यसमिति एक रूटीन बैठक है। ये हम लोग समय समय पर क्षेत्रीय कार्यसमिति की बैठक करते रहते हैं, तो उसमें ये कार्यसमिति ब्रज क्षेत्र की बरेली में हो रही है और इस बैठक में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र जी और हमारे महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्रीमान सुनील बंसल जी, उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। उत्तर प्रदेश के सहप्रभारी श्रीमान संजीव चौरसिया जी, वो भी आज इस बैठक में रहने वाले हैं। इस बैठक में जो अपेक्षित श्रेणी है उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी ब्रज क्षेत्र कार्यसमिति के सभी पदाधिकारी और सदस्य, हमारे सभी जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रदेश के पदाधिकारी और सभी MLA, MP, राज्यसभा और MLC, ऐसे सभी लोग इस बैठक में आज रहेंगे। इस दौरान शाक्य ने विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा कि यहां सभी के गढ़ ढह रहे हैं और हम 2024 में सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। अभी तक उत्तर प्रदेश में स्टेबलाइज था, एक कुछ मिथ्य स्थापित किए गए थे, वो मिथ्य ये थे कि ये गढ़ है, तो गढ़ ढह रहे हैं उत्तर प्रदेश में। पहले कहा जाता था रायबरेली, अमेठी कांग्रेस का गढ़ है, वो गढ़ नहीं रहे, अब ढह गए। भाजपा वहाँ, जब वहाँ की जनता ने भाजपा को अपना लाड़ प्यार, अपना समर्थन दिया है, फिर लोगों ने कहा कि रामपुर और आजमगढ़ को कोई नहीं जीत सकता, वो सपा का गढ़ है। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ में जो लाड़ प्यार भाजपा को मिला, तो वो गढ़ भी ढह गया और रामपुर का गढ़ भी अभी हम लोगों ने वहाँ की सम्मानित जनता ने भाजपा को अपना लाड़ प्यार दिया है। तो ऐसे इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा किसी का गढ़ या किला नहीं कहा जा सकता है, यहाँ की सम्मानित जनता भाजपा के साथ है, इसलिए हम 80 की 80 विधानसभा लोकसभाएं जीतने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश। बैठक में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का बड़ा बयान, मायावती पर जमकर साधा निशाना। 2007 में जब बिना हैसियत के प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी, तब भी EVM मशीन थी। ऐसी 1 लाख से 1.5 लाख बहन जी ने BSP का वोट कन्नौज में ट्रांसफर हुआ, जिसके बावजूद डिंपल यादव हारी और फिरोजाबाद में ऐसी बसपा का 1.5 लाख वोट मारने के बाद जो है अक्षय यादव हारे हैं। अब BSP से गठबंधन उनका नहीं है और जो सो कॉल्ड हम सुन रहे हैं गठबंधन, ममता बनर्जी के यहाँ एक वोट नहीं है, कुछ एडमायरर हो सकते हैं, वोटर नहीं है। नवीन पटनायक का यहाँ कोई वोट नहीं है, तेलंगाना और आंध्रा के CM का यहाँ पर एक वोट नहीं है। तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा तो वो कुनबा चल नहीं पाता है। तो उत्तर प्रदेश में मैं बड़े दिल से स्वीकार कर सकता हूँ कि अखिलेश और मायावती जी में वोट ट्रांसफ़र करने की, इसके बावजूद उनके परिवार के 3 हारे हैं। सोचिएगा कि 5 ही लोग जीत पाए हों, परिवार के 3 हारे हैं। तो अब 2024 के चुनाव में कुछ सीटों पर सपा बसपा लड़ पाएगी, लड़ने की स्थिति में। शेष केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, उत्तर प्रदेश की योजनाएं प्लस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का लॉ एंड ऑर्डर और बूथ अध्यक्ष से लेकर आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना बहा रहे हैं, इससे निश्चित तौर से 24 में कमल खिलेगा। आपको बता दें कि बीते कल नोएडा में भी पश्चिमी प्रांत की बैठक हुई थी। कल यानी 19 मई को कानपुर में अवध प्रांत की बैठक भी होगी। उसके बाद जिला और मंडल कार्य समितियों की बैठकों का दौर चलेगा। दिल्ली इंसाइडर के लिए बरेली से वैभव शुक्ला की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।